गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस। अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस हम लोग पढ़े थे फार्मसी एक्ट के अंतर्गत था एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन में ही आता है। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या कोर्सेज इन फार्मेसी एंड ट्रेनिंग के बारे में। तो अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस, अप्रूव्ड कोर्सेज का मतलब होता है कोई भी कोर्स कंडक्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑथराइज्ड बॉडी की जो है परमिशन लेनी होती है, जिसमें हमारा जो है अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन। तो जो हमारे फार्मसी में जो एजुकेशन है, जैसे डी फार्म एंड बी फार्म, उसके एग्जामिनेशंस के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है पीसीआई से। पीसीआई में फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया बता चुके हैं, अप्रूवल ऑफ पीसीआई इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द कोर्स एंड एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर स्टार्टिंग एनी कोर्स इन फार्मेसी। किसी भी कोर्स या एग्जामिनेशन के लिए तो हमको पीसीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। साथ साथ जो है अगर कोई कोर्स हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि कोई कॉलेज है उसमें नया कोर्स स्टार्ट करना फार्मेसी का, तो भी स्टार्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। एनी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कंडक्टिंग कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट मस्ट अप्लाई फॉर पीसीआई। कोई अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन इंडिया में कोर्स फार्मासिस्ट के लिए जो भी कोर्सेज हैं, कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट मस्ट अप्लाई फॉर पीसीआई। तो उसके लिए हम कोई भी फार्मेसी के लिए कोई कोर्स डिप्लोमे या चाहे या डिग्री हो या पीजी हो, उसको स्टार्ट करने के पहले हमको पीसीआई को अप्लाई करना पड़ता है। पीसीआई फिर क्या करती है, वो अपने इंस्पेक्टर डिप्यूट करती है। इंस्पेक्टर जो है इंस्टीट्यूशंस का विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और ये सर्टेन करते हैं कि इंस्टीट्यूशन में जो फैसिलिटीज़ है, मिनिमम फैसिलिटीज़ है फॉर रनिंग सच कोर्स आर होल्डिंग एग्जामिनेशन एज पर एजुकेशन रेगुलेशन है कि नहीं है। इंस्पेक्टर्स में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन एग्जामिनेशन विदाउट इंटरफेरिंग इन इट्स कंडक्ट टू जज इट्स स्टैंडर्ड। इंस्पेक्टर्स जो है ये एग्जामिनेशन को भी जो है जाके देखते हैं, जब एग्जामिनेशन होता है उस समय भी विजिट करते हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप उस इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड को देखते हैं क्या एग्जामिनेशन करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। देन इंस्पेक्टर सबमिट देयर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और रिकमेंड करेगा पीसीआई को, एंड अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार जो है कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। उसी की इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट होगी, जो रिकमेंडेशन है, उसी के अनुसार कोई भी कोर्स जो है उसका अप्रूवल होता है, रिजेक्शन होता है। क्यों रिजेक्ट किया गया, तो उसका रीज़न बताया गया, अप्रूव्ड है तो मिनिमम फैसिलिटीज हैं तो अप्रूवल दे देगा। अनलेस अ पर्सन पासेज आउट फ्रॉम अ पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जब तक कोई भी पर्सन व्यक्ति जो है पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं पढ़ा है, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग नहीं किया है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो सकता है। हेंस कैन नॉट प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, और फार्मेसी प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में।